मुद्दा केवल इतना सा है कि हम किसी चीज को अगर समझे तो पूरा समझ लो, आपके पास 100 एकड़ जमीन है और आप 3 एकड़ बांस लगा के देखना चाहते हो तो देखने में होगा क्या? बांस 3 साल के बाद दिखेगा और 4th साल बिकेगा। तो 3 एकड़ में 4 साल तक आपने R&D किया, 4 साल के बाद में बांस को लेकर के भारत कहाँ खड़ा होगा और हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हर किसानों के साथ में है। इंडस्ट्रियल क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट उसको लॉन्च करना है, मैं तो हर किसान को ये बोलता हूँ कि आप इंडस्ट्री के जैसे अपने खेत को प्लान करो। हम कुछ उत्पादन उगा रहे हैं, प्रोडक्ट ही हम बना रहे हैं ना, और उसी को बेचने की तैयारी करेंगे कुल मिलाकर के हमारी फैक्ट्री अगर हम समझ रहे हैं तो बांस को पहले पूरा समझ लो, फिर आप बताओ कि आप उस क्षेत्र में क्या कर सकते हो और फिर हम बताएंगे कि हम आपको क्या मदद कर सकते हैं। तो एक साइजेबल प्लान डिजाइन करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में। 3 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ बांस की वक्त नहीं है, वो आपको खुद को काट करके मंडी में बल्लियां बेचने जाना पड़ेगा। और 150 से 200 एकड़ अगर स्टार्टअप हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, वो आप लगाओ या आप किसानों को मिलकर लगवाओ, मुद्दा समझना। तो वहां कोई भी 150-200 एकड़ में इंडस्ट्री आ सकती है, हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बी किसान की इंडस्ट्री लग सकती है, ऑक्सीजन पार्क अभी पूरे भारत में हम चला रहे हैं तो उसकी इंडस्ट्री लग सकती है, लेकिन एक मिनिमम पॉकेट 150 एकड़ चाहिए। तो दोनों रास्ते हैं, आप खुद अपनी जमीन से पहल करो और वहाँ के किसानों को गाइड करो, लेकिन फोकस ये रखना पड़ेगा कि हम आज से चालू हो रहे हैं तो 6 महीने साल भर के अंदर हम 150 एकड़ तक पहुँचे, उसकी ये पाइपलाइन रहेगी, हम किसानों को ये मदद करेंगे, हम इस दिशा से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस दिशा से आगे बढ़ते हो तो आप उस क्षेत्र के ऑक्सीजन पार्क के हमारे चैनल पार्टनर रहोगे, वहाँ का प्रतिनिधित्व आप करोगे, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्री लाने के लिए हम फिर हमारी प्लानिंग करेंगे कि अब हमें यहाँ से कच्चा माल मिलने वाला है तो यहाँ पर हम ये वाली इंडस्ट्री प्लान करेंगे। अगर 3 एकड़ आप प्लान करोगे तो मुद्दा क्या होगा, आपको हमने पौधे दिए, आपने लगा लिए, कभी फोन पे बात होगी कभी नहीं होगी, 2 साल के बाद आपके पापा बोलेंगे बेटा इसका क्या करना है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो फिर 3 एकड़ में मत जाओ। नहीं वो मैं पहले 3 एकड़ तो इसलिए लगा रहे हैं भी हमारी जमीन में ये हो अच्छे से हो जाएगा, आराम से होगा, भूल जाओ। हर तहसील में मैंने बांस लगा चुका हूँ, मैं राजस्थान में कहीं ना कहीं मेरा बांस गया है हर तहसील में। नहीं नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है भी 20-25 एकड़ लगाऊं। यस, और उसके बाद तीसरा साल है ना, मैं मेरे 30-40 के लिए और लगा दूं, मेरे खुद के 60-70 एकड़ हो जाए। उस साल मेरा क्या पूरा नाम लिखते हैं? सुनील कुमार। सुनील जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप अपने से शुरुआत कर रहे हो ये बेहतर है, और शुरुआत अपने से खुद से होती है, लेकिन क्या हम हमारे क्षेत्र को डेवलप कर रही है, क्या हम वहाँ पर ऑक्सीजन जोन बनाएंगे? जो सारी वीडियो देखी वो जो बाउंड्री वाली है ना, हाँ, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए हो सकता है वही मैं बोल रहा हूँ, समझाओ लोगों को, बनाओ, हमारी टीम भी आएगी ना, समझ रहे हैं आप, अकेले थोड़ी ना होगी, चिंता क्यों करते हो, हम भी आएंगे, टीम भी आएगी। हमारे जो खेत है उसमें पशुओं की बहुत ज्यादा समस्या है, लोग खेत तो नहीं दे सकते, बाउंड्री पे आप जिस गांव में हो ना उस गांव में चिन्हित करके ग्राम सभा बुलाओ, मीटिंग करो, बाउंड्री पर बैंबू प्लानिंग करो, बाय बाय एग्रीमेंट हम कर लेंगे। हम अगर पूरी प्लानिंग 200 एकड़ के बांस की जाते हैं, 200 एकड़ से इन द सेंस कि 1 एकड़ में हमें 600 पौधे चाहिए, तो मुझे भिर्रे कितने लगेंगे एक मिनी इंडस्ट्री के लिए, वो मैं बता दूँ, 6 × 12,000, ठीक है, 1,20,000 क्या आएगा, आपका एक गांव का ही अगर बाउंड्री लगा तो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए इसे, बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। 200 एकड़ मतलब 2,000 एकड़ की मेहर, 1,500 एकड़ की मेड़ पर दूर दूर लगाने पर, तो 1 एकड़ में 1,000 से 2,000 एकड़ तो जमीनें होती है। अगला अपनी खेती करे मेड़ पर बैंबू लगा दे, उसका हम बाई बाई एग्रीमेंट कर लें। वही है ना, लोगों के पास ऐसे अभी 1 एकड़ में तो लगा नहीं सकते, तो 55-56 रुपये का पौधा है, 600 एकड़ बाउंड्री पर लगा सकते हैं, बाउंड्री पर 200-400 पौधे लगा सकते हैं। मैं तो वो जो आपको 12x4 का है ना, जो वही ज़्यादा है, आपकी जमीन
बढ़िया टॉप की फिर भी 12-6 पे लगाओ तो बालकों में पानी अगर दोगे तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, फैलेगा, साइजेबल जाएगा वो, उसमें मतलब फैलाव बहुत अच्छे से होगा बालकों में पानी अगर दिया ना। मैंने एक वीडियो डाला है ऑक्सीजन पार्क में, मेरे दो चैनल है एक्चुअली, पाठशाला एक ऑक्सीजन पार्क है। ऑक्सीजन पार्क में एक साल की ग्रोथ और 1.5 साल की ग्रोथ के मैंने वीडियो डाले हैं, 3 साल की ग्रोथ के वीडियो डाले हैं हरदा के। अच्छा, अभी साइजेबल पास ये आपका वो अभी पीछे वाला वो देखा था उससे ही मैं, ये पहले थोड़ा काम बढ़िया है जो आपने वो बनाया था ना वीडियो, वो उसमें सारी चीज़ें यूज आ रही है, सब यूज आएगा, ब्रांचेस, पत्ती, टहनी, सब कुछ यूज आएगा। और किसान को यही तो बेनिफिट है, एक तो हमने क्या किया है कि गीले बांस पर जोर दिया है, आपसे हम जैसे ही खेत से कटा उसको क्रशिंग करके गीला बांस लेंगे तो आपका वजन 3 गुना हो गया। हम 1500 रुपये टन खरीदने की बात कर रहे हैं, एक्चुअल वो काम में आएगा, प्रोसेस होगा सूखा बांस, सुखाने पर उसका 70% नमी गया, अगले पर बचा क्या 30%, तो 30% का पैसा क्या दे रहा है वो 4.5 से 5 रुपये हो गया ना, किसान को मिला क्या गीले का 1500 रुपये टन, लेकिन वो अगले को चाहिए सूखा तो उसको मिला क्या 4.5 से 5 रुपये मिला केजी का। तो 1 से 1.5 लाख रुपये एकड़ तीसरी चौथी हार्वेस्टिंग से चालू और फिर हर साल, ये दूसरी किसी इंडस्ट्री में इतना नहीं जाएगा, पत्ती और ब्रांचेस टेनी ये सारी चीजें मिली सारी चीजें मिली। आपका परिचय दीजिए ना, आप कहाँ से हैं और क्या विचार लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं? मेरा नाम सुनील कुमार है, जिला सिरसा हरियाणा से, हरियाणा से। और ये एक तो वो सीवीआर टेक्निक मिट्टी का स्प्रे पसंद आया आपको, वो सबसे बढ़िया है। अच्छा, और एक ये बालकुआ बांस, कॉटन की खेती करते हैं? हाँ, कॉटन, वीट और धान। और अभी बाम्बू में जाना चाह रहे हैं? अभी बाम्बू में। और भैया वहाँ साथ में आपके? उसका मेरा नाम वीरेंद्र है, मोजगढ़ हरियाणा से ही हूँ। अच्छा, और मैं भी बस इन्होंने मेरे को इंस्पायर किया था, कह रहे थे देखा कुछ देख, कुछ अलग देखने के लिए चले। हाँ, हाँ। तो मैं भी कोई कॉटन धान यही कर रहा हूँ, तो इस बार इनके साथ आए हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं, देख लेते हैं, बाबू को देखते हैं क्या हो सकता है। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है, मैं इनके साथ दोस्त हूँ इसका, दवाई करने के लिए इनके साथ ही आ रहा हूँ। सैर सपाटे के लिए आ गए हैं, लेकिन अब अच्छा लगा तो अटक जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।